नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ हैं श्री गजेंद्र सिंह खीमसर, जो कि हमारे मंत्री हैं खेल उद्योग युवा DMIC और NRI। लेकिन आज तो चर्चा सिर्फ खेल मंत्री से रहेगी शायद। IPL को वापस ले आए हैं गजेंद्र साहब, तो फेदर इन द कैप है ये क्या भाजपा के लिए? बिल्कुल फेदर इन द कैप है। जहाँ पर दो संस्थाएं जो आपस में नज़रें नहीं मिला पा रही थीं, BCCI और RCA, हमारी सरकार ने दोनों को एक ही तख्ते पे बैठाकर और ये प्रदर्शित किया है कि राजस्थान सरकार BCCI और RCA पॉलिटिक्स से उठकर एक स्पोर्ट को जो बढ़ावा दिया है, जो BCCI का और RCA का उद्देश्य है टू प्रमोट क्रिकेट, तो उन्होंने सब चीज़ों को छोड़कर कि क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने, BCCI ने, RCA ने मिलकर सब भेदभाव को अलग रख के ये IPL मैचेस हम राजस्थान में ला रहे हैं। ये मैं सोचता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि सर। चलिए, मैंने मान लिया इसमें क्रिकेट को तो बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन क्या जहाँ पर मुंबई IPL कराने में अपने आप को सक्षम नहीं मानता है पानी की कमी की वजह से, तो राजस्थान में जहाँ पर हमारे भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जयपुर में जो हमारे प्रदेश की कैपिटल है, वहाँ पर भी पानी की किल्लत महसूस हो रही है। 11 डिस्ट्रिक्ट में सूखे की स्थिति आहट दे रही है। हमें क्या हक है कि हम लोग एक खेल के ऊपर इस तरह से पानी नष्ट करें? आपने पहले भी कहा कि भाई SMS में तो रोज़ पानी दिया जाता है, तो सर वो तो वहाँ बॉम्बे में भी दिया जाता होगा, वहाँ से फिर शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत थी? वहाँ महाराष्ट्र के अंदर जो है पिछले साल भी पानी बिल्कुल ही नहीं गिरा, 2 साल से अकाल पड़ रहा है और वो एक स्थिति वहाँ पर बहुत ही गंभीर है। लेकिन सर ये के अंदर पानी आ रहा है, स्टेडियम में पानी तो रोज दिया जा रहा है, मेंटेन तो है ही, तो IPL भी हो जाता इसमें। राजस्थान के अंदर देखिए हमारा अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो पिच है और जो हमारा ग्राउंड है, केवल SMS स्टेडियम एक ही है। क्रिकेट जो है वो हमारे देश का सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट है और ये पिच को और ये ग्राउंड को हम पूरे साल इसकी देखरेख करते हैं। हाँ, क्योंकि सर अभी हमने देखा है विधायकों के मैच हुए, विधायकों के मैच, रणजी ट्रॉफी हुई है, पत्रकारों के मैच हुए, रणजी ट्रॉफी मैच हुए, उस टाइम ये मुद्दा रेज नहीं किया गया। अब क्योंकि IPL यहाँ पर आ गया है, कमर्शियल है, ललित मोदी इन्वॉल्वड है, पैसा इन्वॉल्वड है, क्या कारण है? पैसा नहीं, ये वो लोग हैं जो, क्योंकि सरकार की सफलता रही है IPL लाने में, तो उनको चुभ रहा है कि सरकार ने ये कैसे किया। और पत्रकार अभी जो, और विपक्ष के जो MLAs हैं, अभी हमने क्रिकेट मैचेस खेले, हर साल तो एक ही दिन के क्रिकेट मैचेस होते हैं, मैंने इस साल करीबन 5-6 दिन क्रिकेट मैचेस खेलवाए लीग सिस्टम बनाकर। तो उस टाइम तो छलांगे मार मार के हवा में कैच पकड़ पकड़ के तो गिर रहे थे ग्राउंड के ऊपर, तब तो किसी को पानी और घास के बारे में उनको कुछ आपका, नहीं। आपका कहने का मतलब ये है कि IPL हो या नहीं हो, पानी तो उतना ही लग रहा है, वो तो उतना ही लग रहा है को मेंटेन करने के लिए, एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फैसिलिटी को मेंटेन करने के लिए वो लगना ही है, वो लगना ही है। तो ये केवल एक मुद्दे का राजनीति, ये तो आप कर नहीं सकते कि आप 2 महीने के लिए पानी छोड़ सकते हो। और वहां पर जो है करोड़ों रुपए की मशीनें हैं, वहां पर जो पानी देते हैं तो वो रात को देते हैं, रात को इसलिए देते हैं पानी, रिसाइकल वाटर भी यूज होता है, रिसाइकल अभी नहीं हो रहा है पर होना चाहिए। इसके अंदर आप कुछ करेंगे इस बारे में? अब इसके अंदर आगे प्रयास करेंगे कि रिसाइकल वाटर, जो ऐसा रिसाइकल वाटर जो थर्ड स्टेज रिसाइकल नहीं किया गया हो, फर्स्ट स्टेज में भी अगर उसको रिसाइकल किया जाता है, जिसके अंदर बिजली की खपत भी कम होती है, वो पानी जो है वो घास के लिए वो सही है, तो ये होना चाहिए नंबर एक। नंबर दो, जो RCA है वो पानी रात को देता है, उसकी खपत आधी होती है, वो उनके जो स्प्रिंकलर सिस्टम जो हैं वो बिल्कुल मॉडर्न स्प्रिंकलर सिस्टम हैं, जिसके अंदर नॉजल्स वगैरह मैं खुद देख के आया हूँ, जो स्प्रे जाती है वो वाटर लॉगिंग नहीं करती है, वो इस तरीके से स्प्रे करती है कि उसके रूट्स तक पानी पहुँच जाए। और पिच जो है वो बड़ी टेक्निकल चीज़ है, ये गलत फहमी है। RCA और BCCI के बीच भी थी, या
कहीं ना कहीं सरकार का इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि पिछले साल जो बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है ललित मोदी को लेके, वो आज भी ना तो राजस्थान भूला है ना भारत भूला है। तो जी ये कॉन्ट्रोवर्सी कहाँ थी, किसकी थी, और आज ललित मोदी का क्या रोल है कि आईपीएल के जो मैचेस हैं वो जयपुर में हो रहे हैं, ये सभी प्रश्नों के जवाब हम आपसे लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं, आप लोग देख रहे हैं आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो होने वाले आईपीएल मैचेस में क्या भूमिका रहेगी ललित मोदी जी की? ऐसा कि जब आपने अभी प्रश्न जो किया था, जिसका मैं अभी तक उत्तर नहीं दे, मैं उत्तर आपको जो दे रहा हूँ जी, उसके अंदर ये कि आरसीए जो है, आपको ब्रॉडली देखना है, आरसीए जो है हमारी वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स को रिप्रेजेंट करती है राजस्थान में। वो एक हमारे राजस्थान की क्रिकेट फ्रेटर्निटी की एक एक एपेक्स बॉडी है। ललित मोदी उसके प्रेजिडेंट हैं, उनका वोट भी एक है और बाकी के 20 मेंबर्स के भी वोट हैं, दे आर इक्वल टू वन अनदर। तो हमें आरसीए को एज आवर एसोसिएशन, हमारे राजस्थान की एसोसिएशन की तरह हमें देखना है। मतलब हम उसको राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन देखें, ललित मोदी क्रिकेट एसोसिएशन ना देखें। इट इज राजस्थान, पूरे सब जिले, पूरे राजस्थान को रिप्रेजेंट करता है जी, नंबर एक। नंबर दो, बीसीसीआई क्योंकि उन्होंने डीरेकग्नाइज किया है आरसीए को। जो आप, हमें कह रहा था कुछ गलत फहमी ये थी कि हमने उनको कन्विंस किया कि बिना आरसीए के ये मैचेस संभव यूँ नहीं है, क्योंकि जो ग्राउंड स्टाफ है, जो पिच का क्यूरेटर है, उनको आप बदल नहीं सकते हैं। वही टेक्निकल नो हाउ की बात आ गई, टेक्निकल नो हाउ, बिकॉज तो बीसीसीआई अपने भेज दे जी। नहीं, आज बीसीसीआई दो दिन से दौरे कर रही है, ठीक है ना, वो जो दौरे कर रही है दो दिन से, उन्होंने एक चीज हमें बोली कि पिच और ग्राउंड को हम 100% देते हैं। अच्छा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? नहीं नहीं नहीं, 100% रेडी है, मतलब कि ओके, आज, अच्छा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, आईपीएल स्टैंडर्ड के लिए जो पिच और आउटफील्ड होनी चाहिए उसको हम 100 में से 100 देते हैं। ओके, जो, दैट्स अ पॉजिटिव। जो दूसरी पेविलियन के अंदर टॉयलेट्स वगैरह, सीट्स, जो लाइट्स है, वो हमें रिपेयर करनी है, ठीक है। तो वो हम 5 मई तक हमें सब कुछ रेडी करना है, क्योंकि 8 मई को तो पहला मैच है, काम शुरू हो गया ऑलरेडी उसके अंदर। कोई ये काम कौन करा रहा है, राजस्थान सरकार करवा रही है, करवा रही है या आरसीए करवा रहा है? वो आरसीए करेगी और हम उस काम के लिए हम उसका पेमेंट भुगतान कर देंगे। जो हमारे पास जो स्टेडियम फीस का पैसा आएगा, जो वो हम ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस खड़ा करने के लिए, देखिए कोई कमरा तो बनाना नहीं है, कोई आपको दीवारें बनानी नहीं है, जो आज कंस्ट्रक्शन में ज्यादा टाइम लगता है टू बिल्ड द वॉल्स एंड फाउंडेशन वगैरह। क्या बीसीसीआई बहुत आसानी से तैयार हो गया? मुंबई इंडियंस ने कहा कि नहीं भाई, हम लोगों को तो जयपुर चाहिए, हम लोग शायद रायपुर और कानपुर का ऑप्शन था उनके पास, हम लोग वहां नहीं जाएंगे, तो बीसीसीआई एकदम राजी हो गया या आपको कुछ पुश करना पड़ा? हमने अनुराग ठाकुर जी से बात करी, उनसे रिक्वेस्ट किया, हमने शुक्ला जी से रिक्वेस्ट किया, दोनों का बहुत भारी इसके अंदर योगदान था, मतलब हाँ कराने में योगदान था। कराने में अमृत जी माथुर जो हैं, उन्होंने मध्यस्थता की इसके अंदर, और शुरू में संभव नहीं लग रहा था, लेकिन हमने उनकी, जब ये बात चल रही थी, वार्तालाप चल रही थी, उस समय अमृत माथुर जी ने जाके पिच और वगैरह का सबका निरीक्षण उसी टाइम कर लिया, और उन्होंने ये उनको मैसेज भेजा कि मैच अगर यहाँ कराते हैं तो बिल्कुल संभव है और सब चीज तैयार है। आप इंडस्ट्रीज मिनिस्टर भी हैं सर, उद्योग आपके पास है, रिसर्जेंट राजस्थान को हुए हुए करीब 5 महीने हो गए, तब भी आपने एक बहुत ही मतलब मैं तो कहूँगी प्रैक्टिकल टिप्पणी करी थी कि ये जो 3 लाख करोड़ के एमओयू और जो पेपर्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आए हैं, इसमें से अगर हम लोग गुजरात का टारगेट विच इज 40% भी मीट कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। 5 months डाउन, व्हाट इज योर असेसमेंट? मेरा जब आपके पास इंटरव्यू हुआ था रिसर्जन राजस्थान से पहले, मेरे से जब पूछा गया था कि क्या अचीवमेंट कर लेंगे, मैंने 2 लाख करोड़ बोला था जी। और जब इंटरव्यू के बाद जब आपका शो टेलीकास्ट हुआ तो मेरे अधिकारियों ने बोला, साहब आपने इतना बड़ा फिगर क्यों बोल दिया? फिगर जो है वो करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपये के एमओयू साइन हुए। और आपको मैं बताऊँगा कि कांग्रेस ने कई बार ये इशूज उठाए कि खाली पेपर साइन कर दिया। फर्स्ट चीज़ तो ये कि हमने जो पिछली रिसर्जन राजस्थान हमारा हुआ था उनमें हमारी कुछ गलती हुई थी, जो कोई भी आया हमने उससे एमओयू साइन कर दिया। इस बारी क्या है कि हमने जो भी प्रपोज्ड इन्वेस्टर था हमने उसका
टोटल हिस्ट्री वगैरह, उसकी क्रेडिबिलिटी, ये सब चीज़ों को, सब मापदंड हमने बना के उनको स्कैन किया, और हमने जो सीरियस लोग थे जिनकी क्रेडिबिलिटी थी, जो आने लायक थे, हमने उनके साथ एमओयू साइन किया। इसका जो रिज़ल्ट आया वो ये आया कि ये 3.25 लाख करोड़ रुपए का जो एमओयू जो साइन हुए, उसमें से 60% जो लोग हैं उन्होंने ज़मीन ढूंढना ही शुरू कर दिया था। हम अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो जैसे हम बात कर रहे थे खीमसर साहब से, देखिए वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, दिस शोज देयर इज, दैट इज द वेरी फेवरेट फ्रेज ऑफ ऑल पॉलिटिशियंस, इट शोज देयर इज इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी। बट जिस तरह से आपको खास करके कई मुद्दों पर घेरा गया विधानसभा में, क्या कहते हैं आप, चाहे वो कोटा में इंस्टीट्यूशनल लैंड वाली बात थी, चाहे वो नौकरियों को लेके बात थी कि भाई कितनी दी हैं और कितनी नहीं दी हैं, हाउ डज इट फील? और दिस क्लियरली दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि जो हमारी पार्टी के अंदर जो लोकतंत्र है, इट इज नॉट अ वन फैमिली वन मैन पार्टी, और राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच, दीज आर फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग। तो अगर किसी को गिला शिकवा है या कोई प्रॉब्लम है, पर आपको लगता है कि आवाज, ये गिला शिकवा जो ये प्रॉब्लम है, ये भाजपा के इंटरनल मीटिंग्स में भी हो सकते हैं क्लैरिफाई? ऐसा तो नहीं है कि भाई कहीं चाहे प्रहलाद गुंजल जी हैं, चाहे घनश्याम तिवारी जी हैं, वो कुछ और भी मुद्दे निकाल रहे हैं? अब मुद्दे उनके मन में कोई मुद्दे हैं वो उठा रहे हैं, तो हम उनका कोई गला तो दबा नहीं रहे। मैंने जैसे आपको बोला लोकतंत्र पार्टी है, अब कई चीज़ें मुद्दे उठ जाते हैं, और मुद्दे उठते उठते कुछ एम्बैरेसिंग चीज़ें भी बोल देते हैं, तो दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, ये दिस इज़ यू टेक इट इन योर स्ट्राइड। एब्सोल्युटली। मैं रिसर्च इन राजस्थान के साथ ही जोड़ते हुए एक और प्रश्न करूंगी, और जैसे प्रहलाद गुंजल जी का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई कोटा में इंडस्ट्रीज ख़त्म होती जा रही हैं, ठीक है, ग्रेजुअली इंडस्ट्रीज आर क्लोजिंग डाउन, तो हम लोग ये अफेक्ट कब तक देखेंगे जी? अभी आप खुद कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मंदी का दौर है, भाजपा के पास इतना समय नहीं है, 15 लाख नौकरियों के वादे के ऊपर भाजपा सरकार आई थी। आई होप दिस डजंट टर्न आउट टू बी एन अल्बेट्रॉस इन द नेक ऑफ द बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए आपके जो डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज का जो डिपार्टमेंट है, ये बहुत क्लोजली कनेक्टेड है जॉब जनरेशन से, मानते हैं आप? हाउ इज इट ऑल गोइंग टू पैन आउट? नहीं, उद्योग जो है, उद्योग का सबसे भारी इम्पैक्ट जो है और जो हमारी मुख्यमंत्री चाह रही हैं वो है जॉब क्रिएशन के लिए। अब आदमी पार्टी एक टारगेट रखती है एंड यू ट्राई टू अचीव द टारगेट, 6 लाख नौकरियों का 6.5 लाख हम करीब अचीव कर चुके हैं, अभी 2.5 साल बचे हुए हैं। रिसर्जेंट राजस्थान नवंबर में हुआ है, इसका जो एक्सेलरेशन और मल्टीप्लायर इफेक्ट जो आएगा वो अगले 2 साल के अंदर आएगा, फैक्ट्री ओवरनाइट तो बनती नहीं है। हमारा आप कहेंगे कि भाई ये टारगेट आपने इतना ऊंचा क्यों रखा, यू कांट से वी वर रॉन्ग इन पुटिंग अ सच अ बिग टारगेट, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री जी जो है वो जॉब क्रिएशन के अंदर उनका एक मानस था, उनका एक टारगेट था, तो वो टारगेट वी आर मूविंग। वो जब दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टारगेट एंड ड्रीम्स, टारगेट हैज टू बी बेस्ड ऑन रियलिटी, आप ये बात मानेंगे ना? तो उसके ऊपर कुछ प्लानिंग तो होगी। पहली बात तो मैडम मुख्यमंत्री पहली बार तो बनी नहीं, उनको अच्छे से पता है राजस्थान की रग रग से वो वाकिफ है, तो कुछ एक कॉन्क्रीट प्लानिंग तो होगी कि भैया हाँ सबको पता है इंटरनेशनल मंदी है, उसके बावजूद हम लोग जॉब क्रिएशन कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए जी, जब ऐसे वादे, आपके लिए तो वादा टूटना है लेकिन राजस्थान की जनता के लिए सपने टूटना है। अब जब रेलगाड़ी आपकी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचेगी, तब अपन बात करेंगे। अब थोड़ी रास्ते में लेट होती तो मेकअप भी करती है, और ये बात मैं आपकी मान जाती हूँ। और जैसे मैंने आपको एक चीज़ बोला कि आज जो है लैंड प्राइसेस जो है बिल्कुल गिर गई है, बिल्कुल रियल एस्टेट मार्केट बिल्कुल चौपट हो गया है। वाई? इट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लोबल रिसेशन, एंड दैट ग्लोबल रिसेशन जो है हमारे पूरे देश को, हमारे राजस्थान को भी इफेक्ट कर रहा है। और आज की तारीख में जो जितने भी प्रदेश हैं वो इतनी स्ट्रांगली, इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन इज टू गेट इंडस्ट्रीज। एमओयू हमसे साइन किया, जमीन हम 10% मतलब हम डीएलसी रेट पे दे रहे हैं, तो दूसरे प्रदेश आंध्र प्रदेश में जाते हैं, वो कहते हैं जी आप प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, वो डीएलसी रेट पे दे रहे हैं, हम आपको फ्री दे रहे हैं। इट बिकम वेरी कॉम्पिटिटिव सब स्टेट्स के अंदर,
सब लोग सिंगल विंडो, ईज टू डू बिजनेस, सब इसकी बात कर रहे हैं। इसमें कितना फर्क पड़ता है कि जहाँ जिस देश में, जिस प्रदेश में भ्रष्टाचार ज्यादा है वहां पे लोग आना पसंद नहीं करते, क्योंकि फिर आपको उतनी पाम ग्रीजिंग करनी पड़ती है। नहीं, इसीलिए माननीय मोदी जी ने जो सिंगल विंडो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उसका एकल खिड़की का, और इसका जो है मतलब ही उद्देश्य ही है कि करप्शन को और फास्ट मूवमेंट हो, किसी को दफ्तरों के सेक्रेटरीट के चक्कर नहीं काटने हो, ऑनलाइन सब चीज हो, इसका उद्देश्य यही है कि करप्शन को हटाना। मेरा आखिरी प्रश्न गजेंद्र जी, और वो ये प्रश्न है जो मुझे पता है कि राजस्थान के सभी आज हमारे प्रदेशवासियों के दिमाग में है कि बहुत अच्छी बात है जी, आईपीएल ले आए आप, 8 मई 12 मई 15 मई बस अपना धमाका और उसके बाद कुछ नहीं, या आगे भी कुछ देखने को मिलेगा? ये तो चौका मारा, आगे छक्के भी मारेंगे, और एक एक टेबल पर हम बीसीसीआई को और आरसीए को हम ले आए हैं। हमें आशा है कि इनका मतभेद दूर हो, और यदि नहीं होता है तो एक जयपुर में और राजस्थान में मैचेस लाने का एक नया नई खिड़की खुल गई है। यू फाउंड अ वे आउट, वी फाउंड अ वे आउट, एंड आई एम श्योर नाउ एक ये मॉडल आ गया है और ये सक्सेसफुली हो जाएगा, तो हम तो चाहेंगे कि इनका तालमेल हो जाए। डेफिनेटली जी, और लेकिन अदरवाइज आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक दैट अगले 2 साल के अंदर हम कई मैचेस लेके आएंगे। चलिए जी, हमारा एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, हम भी चाहते हैं वहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस हों, और जयपुर और राजस्थान की जनता भी उसका पूरा लुत्फ उठाए। यू मस्ट कम एंड वॉच द मैच एंड एंजॉय द फन। जरूर जी, और यही मैसेज हमारे पूरे जयपुर और राजस्थान के वासियों को कि आइए आईपीएल में, और इस बार हमें मुंबई इंडियंस को चीयर करना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए जी, मुंबई इंडियंस को चीयर करेंगे। आपको बहुत बहुत, इट इज द होम ग्राउंड 100% जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया खिमसर साहब अपना समय देने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। तो ये था आमने सामने गजेंद्र सिंह खिमसर जी के साथ। हम जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।